तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में देवालयों के रक्षण के लिए किया कानूनी संघर्ष और मिली सफलता, इस विषय पर श्री नाम राम रेड्डी जी अपना अनुभव कथन बताएंगे। हम उनका परिचय जानते हैं। श्री नाम राम रेड्डी जी भाग्यनगर तेलंगाना से हैं। आप राष्ट्रीय वानर सेना के अध्यक्ष हैं। सरकार के अधीन जो देवालय होते हैं उनकी विविध समस्याओं पर आप कानूनी संघर्ष करते हैं। आपने देवालयों की हजारों एकड़ भूमि की रक्षा की है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 12 बड़े देवालयों के विषय में आप कानूनी संघर्ष कर ही रहे हैं, उसमें से 4 में से आपको सफलता मिली है। भाग्यनगर में मुस्लिम बहुल क्षेत्र है ओल्ड सिटी, वहाँ पर काली माता देवालय की 32 एकड़ भूमि को आपने कानूनी लड़ाई से मुक्त किया है। रेड्डी जी से अनुरोध करती हूँ कि अनुभव कथन हमें बताएं। सभी संत सनातन और मेरा हिंदू बंधुओं को प्रणाम। मैं राष्ट्रीय वानर सेना से पहले तेलंगाना वानर सेना, उससे पहले देवतलगुट्टा वानर सेना बोल के लगा है। मैं 1980 से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में काम करता था, एबीवीपी में काम करता था। मैं अयोध्या आंदोलन में पार्टिसिपेट हुआ। जब 1992 में मेरे ऊपर आईएसआई वाले 2 बार रेकी किए, एक बार मैं नहीं मिला, नहीं मिले तो शाम को चले जाने वाले वो लोग, मेरा दोस्त एक था आरएसएस में काम करने देवेंद्र बोल के, मेडिकल शॉप में बैठे तो उसको मार के चले गए। फिर एक महीने के बाद में मेरे को मारने के वास्ते सुबह में आके मैं जा आता हूँ वहाँ वेट करके, मैं उस दिन भी नहीं आया। आने के बाद वो लोग एक 15 दिन में पकड़ा गया। पकड़ा जाने के बाद जब कमिश्नर आके मेरे को बोले आपको सिक्योरिटी दे दूँ गनमैन, मेरे को मैं उसको लेके कहाँ फिरूँ, मेरा स्कूटर पे कहाँ बिठा के फिरूँ, मेरे को नाको बोले। तो जब कमिश्नर हैदराबाद नगर सिटी कमिश्नर मेरे को एक वेपन लाइसेंस दिए, वेपन दिए जो विद्यासागर राव जॉर्ज फर्नांडिस था गवर्नमेंट के तरफ से दिए। मैं बाद में ये देवतलगुट्टा का मेरा घर का सामने का नहीं है, घर का एरिया का भी नहीं है, मगर मेरा घर से एक 15 किलोमीटर दूर पे एक टेम्पल है, वो छत्रपति शिवाजी श्रीशैलम जाते वक्त वहाँ रुक के गए, सो टेम्पल है देवतलगुट्टा। उसका जमीन को एक मुसलमान कब्जा कर रहा, वीरभद्र स्वामी टेम्पल को तोड़ा, ये आंजनेय स्वामी टेम्पल तोड़ के वहाँ गेस्ट हाउस बनाने के वास्ते सोच रहा था। मेरे को वो गांव वाले आके ऐसा हो रहा बोले तो मैं पेपर राइट टू इन्फॉर्मेशन लेके उसमें केस डाले, उसमें जजमेंट आया। जजमेंट आने के बाद वो टेम्पल को प्रोटेक्ट करे 33 एकर्स। उसके बाद में तेलंगाना वानर सेना लगा के उप्पुगुड़ा मामिड़ीपल्ली, अभी तक मैं एक 3000 एकर्स लैंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम गवर्नमेंट। ये इस कोई नहीं मुसलमान मजलिस पार्टी वालों का कब्जा में से छुड़वाया हूँ। ये होने के बाद मैं समझा मेरे को भगवान इसी वास्ते 2 बार भी रेकी करे तो मैं बचाऊँ बोले तो ये काम करने के वास्ते ही मैं बचाऊँगा। उसी वास्ते मैं एक 15 साल से कहीं भी रहें दो केस, भद्राचलन रहें दो, तेलंगाना रहें दो, कर्नाटका, हमारा आज वानर सेना 3 स्टेट पे है, तेलंगाना में, आंध्रा में, कर्नाटका में भी उसका कमिटीज है, मगर तेलंगाना में आंध्रा में भी हाईकोर्ट में डाले भद्राचल 917 एकर्स, वो भी हम लोग जीते हैं। अब गवर्नमेंट बदल गई, उसका पूरा पोजीशन भी अपने हाथ में है, मगर थोड़ा टाइम लगेगा, उसका भी एक गज भी नहीं छोड़ेंगे, वो 100% टेम्पल भद्राचलम को ही रहेगा। और एक सीतारामपुर के बोल के हैदराबाद के बाजू में 1148 एकर्स, 1 एकर वहाँ 5 करोड़ 6 करोड़ है, वो भी हमारा तेलंगाना केसीआर का बेटा, इलेक्ट्रॉनिक सिटी को जमीन, टेम्पल का जमीन देते, टेम्पल को गवर्नमेंट दे नहीं दिए, जो लोग हैं वो लोग टेम्पल चलाने के वास्ते वो गांव में ऐसो खेती कर लेने के वास्ते दिए, वो खेती कर लेते वो लोग साल को एक बार
एकड़ को 2000-3000 दे तो टेम्पल चलता था, वैसे जमीन को इलेक्ट्रॉनिक सिटी अभी तक की कायम भी टेम्पल लैंड को पोजीशन में है। फार्मर्स रहते उसको 11 लाख रुपए एकड़ को दिए, टेम्पल को 1 रुपए नहीं दिए। मैं बिल डालने के बाद 98 करोड़ का चेक दिला के एंडोरमेंट में देता। मैं बोला हम लोग अब बेचने का नहीं है, टेम्पल का जमीन टेम्पल को ही रहना, अभी पेंडिंग में है। ये प्राइम मिनिस्टर नोटिस में भी लेके गया हूँ मैं, अभी जजमेंट आने वाला है, वो भी छोड़ेंगे नहीं। मैं एक ही सोचता हूँ, मेरे पीछे हनुमान जी है, मैं अभी तक कोई केस डाले तो अभी तक हारे नहीं। अगेनेस्ट मेरा अगेनेस्ट एक जजमेंट नहीं आया। मेरे को सहयोग देने वाले भी हमारे भाइयाँ हैं, अब यहाँ भी आए डॉक्टर कश्यप रेड्डी और मोनिका रेड्डी जी और कराटे कल्याणी जी, ये लोग हम लोग जाके वहाँ धरना करना, वहाँ केसा बना लेना हम लोगों का नहीं है। हम लोग पेपर लाना, राइट टू इन्फॉर्मेशन से पेपर लाना, केस डालना, वो भी पिल डालते। कहीं को बोले तो कौन सा भी झाड़ को फल आए तो पत्थर डालते, ये केसा डाले तो WP डाले, समझो WP डाले तो राम रेड्डी पैसे का है। कोई मुसलमान नहीं बोलता, अपने लोग ऐसे बोलते राम रेड्डी कहीं को कर रहा, इसका इंटरेस्ट क्या है। मैं उसी वास्ते पिल डालता हूँ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेज, पिल डालने तक किच में हारे हाथ में रहता। मैं विड्रॉ नहीं कर ले सकता, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर ले सकता, डाले तक किच मेरा हाथ में रहता। डालने के बाद अपना फर पे फेवर पे आता, नहीं तो अगेनेस्ट जजमेंट आता। उसी वास्ते मैं ट्रांसपेरेंट रहना ये टेम्पल का बोल के, मैं हम लोग इतने इतने केसा डाले, पूरा पिल्स डालते। पिल्स डालना बोले तो एडमिट होना के वास्ते पेपर वर्क ज्यादा करना पड़ता, पेपर वर्क 1-6 महीना पेपर वर्क करे तो एक केस डाल सकते। उसी वास्ते आज यहाँ ये हमारा हिंदू जनजागृति समिति लोग इतने ऑर्गेनाइजेशन को मैं एक मानता हूँ, बड़ा एक झाड़ रहे तो नहीं चलता, अरे एक जने एक गांव में एक ऑर्गेनाइजेशन लगा लेना, एक छोटे छोटे झाड़ आए तो उसका ऑक्सीजन सब लोगों को मिलता। उसी वास्ते ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन रहना, सब लोग ऐसे एक इकट्ठा होना वो इम्पोर्टेंट है। एक ही ऑर्गेनाइजेशन रह के पूरा करते हम लोग बोले तो मुश्किल होता, हर एक का ऑर्गेनाइजेशन रहना, मगर जितना होता मेरे से जितना होता मैं वो काम करना, और एक जने से थोड़ा कम होता वो गांव में करना है करे तो उन्होंने भी करना। मगर ऑल इंडिया में ऐसा आंध्र ऑर्गेनाइजेशन सब लोगों को इकट्ठा करना भी बहुत अच्छी काम है। सब लोग ये कोई भी तेलंगाना में रहें दो, मैं सजेशन देता हूँ पेपर वर्क है तो कौन सा स्टेट में है तो भी मेरे को ऐसे बालसुब्रमण्यम और मेरे दोस्त आए 10 जने एडवोकेट्स फ्री सर्विस देते, सुप्रीम कोर्ट में भी फ्री सर्विस देने वाले अपन को है। सब लोग कहाँ भी है तो मेरे कांटेक्ट कर सकते, पेपर्स आप जो भी है पेपर मेरे को होना, वो जो होना वो पेपर आप दिए तो मैं हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में भी केस डाल के टेम्पल्स का बचाने के वास्ते मैं लड़ूंगा, लड़ते रहूंगा, जितने दिन जिंदा हूँ उतने दिन वो काम पे लगा रहूंगा। धन्यवाद। हमारे योद्धा अधिवक्ता ने 3000 एकड़ भूमि मंदिरों की मुक्त की है, आगे भी उनकी लड़ाई शुरू है। उनका नाम ही नाम राम है और वो राष्ट्रीय वानर सेना भी चलाते हैं। तो अभी उनकी वानर सेना केवल तेलंगाना आंध्र प्रदेश तक नहीं है, तो पूरे भारत में उनकी वानर सेना फैल गई है, जो हिंदू राष्ट्र तक राम सेतु बनाकर ही रहेगी।